वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लव्स किचन। आज मैं लेके आई हूँ सूजी केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार होता है। सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल घर के अवेलेबल चीज़ों से। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाला 1 कप सूजी लिया। आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। और इसे ना हमें 1 मिनट के लिए पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर नहीं बनाना है। उसके बाद एक बोल में हम लेंगे आधा कप जितना दही, 1/4 कप ऑयल, ऑयल बटर घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट एसेंस होना चाहिए वो ऑयल। उसके बाद आधा कप और 2 टेबल स्पून हम इसमें चीनी डालेंगे, ये पिसा हुआ चीनी है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। तब तक हम इसे विस्कर की हेल्प से मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने पीस कर रखा था पाउडर जैसा बनाकर सूजी को सिमल लेना, वो इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये अच्छे से एक बार मिक्स हो जाए तो फिर इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो बस हम ये मिक्स हो गया है, इसे कवर करके 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, 1/4 कप मैदा, ये बाइंडिंग के लिए बस हम डाल रहे हैं। इसकी जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे से छान के लेंगे, इससे ना हमारा केक बहुत स्पंजी होगा। तो ये अच्छे से हो गया, जो बबल्स बच गए हैं उसे हम इस तरह से स्पून की हेल्प से तोड़ लेंगे और इसे भी अच्छे से छान लेंगे। ये हमने छान लिया अच्छे से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो हम थोड़ी देर बाद पहले इसे हम अच्छे से विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे, और फिर जब लगे हमें तो हम इसमें 1/4 कप जितना रूम टेम्परेचर वाला मिल्क डालेंगे। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। कि हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, बस अब हम इसमें ना रूम टेम्परेचर का दूध डाल देंगे। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। विस्कर की हेल्प से हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और बस फिर हम इसमें दूध डाल देंगे 1/4 कप। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए हमारी बैटर की ना, वो बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है इसे। ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। लगे कि अभी भी थोड़ा सा आपको गाढ़ा, तो उसमें 1 या 2 टेबल स्पून ज़रूरत के हिसाब से ही दूध मिलाए, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट मैंने लिया है इसमें सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे 6 इंच का टिन को मैंने अच्छे से ग्रीस करके रख लिया था बटर पेपर लगा के। उसमें सारा बैटर इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद ना उसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स, अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 7 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए कढ़ाई को रख दिया था लो फ्लेम पे। अब ये जो मोल्ड है ये हम बैटर वाला केक टिन इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसे 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो अभी हम लेड लगा देते हैं और उसके बाद 35 से 40 मिनट्स के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। तो 40 मिनट्स लगभग हो गए थे। अब ये लेड को हटाकर हम स्क्वायर डालकर इसमें चेक करते हैं कि नहीं हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो ये जो ना हमारा स्क्वायर बिल्कुल क्लीन निकला, तो हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे आने देंगे रूम टेम्परेचर पर, ठंडा होने देंगे। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया था। इस तरह से एजेस पे हम नाइफ को रोटेट कर लेंगे ताकि ये इजीली डिमोल्ड हो जाए। प्लेट के ऊपर इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। अब ये ऊपर से पार्चमेंट पेपर हम हटा देंगे और देखते हैं कितना अच्छा एरेशन आया हमारे केक में।
बहुत अच्छा जाली फॉर्म हुआ है इसमें, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के तैयार होता है, बहुत ही स्वादिष्ट भी रहता है ये केक। बहुत हेल्दी रेसिपी है, टी टाइम स्नैक्स है, कभी भी आप बनाकर इसको खा सकते हैं, किसी को भी दीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। मैं कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा अंदर से भी इसमें जाली फॉर्म हुआ है। तो कभी भी ट्राई कीजिए, कभी भी बना कर रख लीजिए स्टोर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।